नमस्कार, अमर उजाला से मैं हूँ आपके साथ शिवम वर्मा और आज हम खड़े हैं जिला संभल में। जी हाँ, संभल का वही क्षेत्र मोहल्ला कोट गुरबी जहाँ जामा मस्जिद है, जहाँ कल हालात ख़राब हो गए थे, पुलिस ने मोर्चा संभाला था। आज भी आप देखेंगे कि पुलिस की फ्लैग मार्च उधर चल रही है। यहाँ पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और इस क्षेत्र में पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस की टीमें यहाँ तैनात हैं और व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है। हम यहाँ देखें, हमारे सामने कुछ लोग हैं जो कल जो घटना हुई उसके बारे में उसके चश्मदीद हैं, हमें बताएंगे कि कल यहाँ कैसा माहौल था। और अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, तो आइए बात करें। क्या नाम है आपका? तो कल जो घटना हुई वो किस तरह से थी और अभी जो अपने ज़िले का संभल का माहौल है वो कैसा है? यहाँ तो नॉर्मली है, हमारे रोड पर हमने दुकान भी खोल रखी है। वैसे अब कल के माहौल की रहे वो इतनी सुबह से हुआ कि सब हम लोग घर पर, मतलब जैसे शुरू में तो हम नीचे ही थे लेकिन जैसे जैसे माहौल बदला तो हम ऊपर चले गए। फिर पता नहीं, फिर हमारी तो खुद की यहाँ एक कार थी वो तोड़ दी, एक बहन की कार तोड़ दी, कैमरे वैमरे तोड़ दिए, बहरहाल नुकसान हुआ वो जो हो सकता था। और आज दुकान बंद करे बैठे हैं, सब लोग खोले बैठे हैं, कस्टमर कोई है, कितने हालातों में कौन आएगा। सही बात। कितनी दूर है जामा मस्जिद यहाँ से? जामा मस्जिद के सामने। क्या कभी आपको कितना समय यहाँ हो गया और क्या अभी कभी आपने ऐसा देखा पिछले दिनों हालात खराब होते? तो बचपन से यहीं है, मकान ऊपर है, दुकान ही हमारी 25-26 साल पुरानी है। तो कभी पहले इस तरह से नहीं हुआ? कभी क्या, एक बार भी नहीं हुआ। अगर हमें ऐसे हालात का की भर भी अंदाजा था, हम अपनी कार ही बाहर नहीं छोड़ते सबसे पहली बार। हालात का अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह से होने वाला है। बिल्कुल, अगर होता तो हम यह कार सबसे पहले हम अपनी कार वगैरह ये सब चीज़ें। आपने बताया कि यहाँ जो कैमरे लगे हुए थे और आपकी कार सभी के कैमरे थे वो छोड़ दिए। कितने ये जो है आबादी वाला इलाका है या सिर्फ दुकानें ही हैं? नहीं, आबादी भी है, सब दुकानों के ऊपर मकान बने हुए हैं। खैर, हम तो जब से हैं जब यहाँ कोई रहता भी नहीं था। लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ पर? अब ऐसे मुझे काउंटिंग में मैं क्या बताऊँ, बड़ा ज़्यादातर मकान है, सबके ऊपर रिहाइश है, फैमिली रहेंगे। और अभी जैसा हमने देखा आसपास के लोग कुछ डरे हुए भी हैं और जैसे हम पीछे से आ रहे हैं तो दुकानें वहाँ खुली भी हैं, धीरे धीरे माहौल सामान्य हो रहा है। तो यहाँ जो आसपास के लोग हैं यहीं के रहने वाले या बाहर से आके अपना कारोबार करते हैं? यहीं के रहने वाले और आसपास के लोग डरे हुए नहीं हैं। आसपास के लोगों को तो पता ना, वो इन चीज़ों में कहीं इन्वॉल्व हैं ना, वो उन्हें कोई डर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी हैं। जो बाहर के जहाँ के भी लोग थे वही डरे हुए हैं, वो यहाँ नहीं है, तो नॉर्मल है, तो यहीं पर है। यहाँ कोई इन्वॉल्व ही नहीं है इस, उसमें जानकारी भी नहीं है। बाकी इतनी सुबह हुआ, इतनी अर्ली मॉर्निंग हुआ कि मार्केट ही 10 बजे खुलती है, तो उससे पहले हुआ तो मार्केट तो खुली नहीं थी। जो कुछ लोग थे भी वो हम ही थे नीचे, तो फिर जैसे ही हुआ तो हम पता, हमारी माल की गाड़ी आई खड़ी थी, उसे उतरवाने को सुन बवाल हुआ, चले गए, माल की गाड़ी यहीं जोड़ दी। जो माल की गाड़ी जहाँ से आनी थी वो बार बार कॉल कर रहे थे, कुल मिला के जब सारा बवाल हुआ तो माल उतरवाए। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ कैमरे लगे हुए थे, जैसा कि अभी इन्होंने बताया वो तोड़ दिए गए और यहाँ गाड़ी खड़ी थी वो उस पर पत्थरबाजी हुई तो इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ। यहीं के सब लोग रहने वाले हैं, तो आइए मैं सबसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? साजिद हुसैन है। ये आपकी ही दुकान है किराना की? जी, कब से आप लोग हैं? कल आपने देखा क्या बहुत सारा नुकसान यहाँ लोगों का हुआ? सो रहे थे, अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह का कुछ। हम तो सो रहे थे जब उठे, ये बड़ा करना तो क्या था ग्राम नगर वालों का। तो जैसा हमें कुछ लोगों ने बताया कि आपके कैमरे यहाँ लगे हुए थे, शाम का टाइम थी जब पता लगा। क्या आसपास में किसी आम नागरिक को कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई? किसी को कोई चोट तो नहीं है? ना, बस गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी चलता हो जाएगा तो मौत हो जाए। पुलिस ने माहौल को संभाला बाद में, क्या संभल गई? जो भीड़ आई थी वो जो भी लोग थे, जहां से कितनी भीड़ थी, कैसी भीड़ थी, घरों बंद थे, देखा ही नहीं। कोई अंदाजा क्या इस तरफ से आई या इस तरफ से कहां जमा हुआ सामने? जामा मस्जिद के पास हम यहाँ खड़े हैं संभल में और आप देख सकते हैं पुलिस ने आसपास में बैरिकेड लगाए हुए हैं, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की कमान यहाँ पे पुलिस के जवान संभाले हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से किस तरह का माहौल अभी है और
कल जब घटना हुई, जामा मस्जिद के पास जब भीड़ इकट्ठा हुई, पथराव हुआ, वाहन आग के हवाले कर दिए गए, कई पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी और फायरिंग में कई लोग भी घायल हुए, जिनसे मौत हुई। आज के माहौल पर हम चर्चा करेंगे, जाने के लोगों से जो यहाँ रहते हैं तो किस तरह का माहौल यहाँ पर है और क्या हुआ था। भैया क्या बात करेंगे आप लोग, तो क्या कैसा माहौल था कल, कब से रहते हैं? दिनेश जी आगे आ जाइएगा, बहुत टाइम से काफ़ी टाइम से हुआ है, काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे हैं आप, तो कैसा अभी माहौल है यहाँ पे? बिल्कुल खराब है, खराब है। कल कितने बजे वो घटना हुई? दोपहर दोपहर में हुई थी, 11 बजे के आसपास। तो क्या कुछ लोगों के यहाँ भी चोट लगी, कैसा माहौल था, कैसे भीड़ जमा हुई, अचानक क्या हुआ, जरा बताइए क्या क्या आपने उस समय महसूस किया, क्या देखा? हम वहाँ पीछे ना गए, मस्जिद के पीछे हुआ था, मस्जिद के पीछे हुआ था, फिर भी अपने घर की छतों से यहाँ से तो कुछ तो देखा होगा, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया, जो बवाल हुआ वो पीछे हुआ था, पीछे हुआ। और अभी यहाँ पे लोगों का आवागमन चालू है, पुलिस कैसे नजर रख रही है, क्या चीजें हैं यहाँ पर, बच्चे कैसे बाहर निकल रहे हैं, जो जरूरत का सामान है वो कैसे ले रहे हैं आप लोग बताइए? अभी बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।